बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। सलमान ने अपने जिगरी यार बाबा सिद्दीकी को खोया है। बाबा सिद्दीकी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सलमान इस कदर टूट गए कि अपने तमाम शूट्स पोस्टपोन कर दिए। इसी बीच सलमान के पिता सलीम खान ने एक पॉडकास्ट किया। सलमान खान के पिता ने इस पॉडकास्ट में हर मुद्दे पर खुलकर बात की। जब बात सलमान को जान से मार देने वाली धमकियों की आई, तो सलीम खान ने कहा कि उन लोगों ने आज तक क्या किया है, किसकी मदद की है, कितने जानवरों को बचाया है, जरा ये बताएं। एक्टर के पिता ने कहा कि जब बीइंग ह्यूमन होता था, तब उसका हिसाब खोल कर देखो कि कितने लोगों की मदद की गई है। हमारे घर से लंबी लाइन लगी रहती थी, कम से कम 300 से 400 लोग रोज आते थे। जब से कोविड हुआ है, तब से ये सब होना बंद हुआ है, लेकिन कोविड से पहले रोज 300 से 400 लोग अपने पेपर्स लेकर आते थे। सलमान ने एक डॉक्टर रखा हुआ था, वो डॉक्टर उनके पेपर्स देखता था और फिर सलमान खान की एनजीओ उन्हें चेक काट कर देती थी ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। ये कहकर सलमान खान के पिता सलीम खान ने भाईजान की अच्छाई को फिर से लोगों को याद दिलवाया। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 400 से 500 लोग सलमान के घर के बाहर डॉक्टर से मिलते थे, जहां उनके साथ सलीम खान भी मौजूद रहते थे। ये लोग अपने ट्रीटमेंट के पेपर्स डॉक्टर को दिखाते थे और डॉक्टर की अप्रूवल के बाद सलमान की एनजीओ उन्हें चेक काट कर देती थी। चेक अस्पताल के नाम होता था ताकि कोई भी इन पैसों को मिसयूज ना कर सके। जी हाँ, सलमान की कमाई का 80 से 90% हिस्सा डोनेशन में जाता था। यही वजह है कि सलमान शाहरुख खान की तरह मन्नत जैसी किसी आलीशान हवेली में नहीं रहते। यही वजह है कि सलमान अमिताभ बच्चन की तरह मल्टीपल हाउस ओन नहीं करते। भाईजान ने हमेशा गरीबों की मदद की है और अब उन्हीं गरीबों की दुआएं सलमान के साथ हैं। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।